इस वीडियो में हम एक कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे, साथ ही हम एक कन्वेक्स लेंस के द्वारा अलग अलग केसेस में ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पर रखे जाने पर जो इमेजेस बनाए जाते हैं उन्हें भी एक्सपेरिमेंटली देखेंगे और विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें हम पेपर पर रे डायग्राम्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कनकेव मिरर या किसी भी कन्वेक्स लेंस के सामने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उससे सारे रेज ऑफ लाइट ऑलमोस्ट पैरेलल आते हैं और वो सभी पैरेलल रेज ऑफ लाइट उस कन्वेक्स लेंस या उस कनकेव मिरर के फोकस पे मीट करते हैं। तो इस मेथड से हम कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। जो इमेज बनता है इस केस में वो हाईली डिमिनिश्ड होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, तो इस वजह से ही हम इसे स्क्रीन पर ऑब्टेन कर पाते हैं। तो इस मेथड को हमें इस तरह से कुछ करना है कि कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस जो होगा उसके सामने हम अपने पीछे के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके इमेज को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस के सामने जो स्क्रीन है उसे हम पुट करेंगे और एक शार्प इमेज जो है वो हमें ऑब्टेन होगा जो कि रियल और इन्वर्टेड होगा, साथ में ऑब्जेक्ट्स जितने बड़े दिख रहे हैं उसके तुलना में काफ़ी छोटा इमेज हमें ऑब्टेन होगा। तो कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस और स्क्रीन के बीच की जो दूरी होगी वही हमें फोकल लेंथ देगी। हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरह से है कि जिन ऑब्जेक्ट्स का हमें इमेज ऑब्टेन करना है वो रूम के बाहर हैं, जो आप देख पा रहे होंगे, और रूम के अंदर हमने एक टेबल के ऊपर कन्वेक्स लेंस को रखा है और उसके जस्ट पीछे जो है जिस स्क्रीन पे हमें इमेज को ऑब्टेन करना है उस स्क्रीन को हमने रखा है, और चूंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा लेंस है इसी वजह से हमने ऑब्जेक्ट के दूसरी ओर इमेज ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन को रखा है। यदि यहाँ पे हम कन्वेक्स लेंस की जगह अगर कनकेव मिरर यूज़ कर रहे होते तो उस केस में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही सेम साइड हमें स्क्रीन को भी रखना होता, क्योंकि इमेज भी उधर ही साइड बनता, क्योंकि रिफ्लेक्शन के केस में बाउंसिंग बैक होती है लाइट की और लाइट उसी सेम मीडियम में सेम साइड जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही साइड इमेज भी बनता है रिफ्लेक्शन होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे चूंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है इस वजह से लाइट जो है इस मीडियम यानी ग्लास का जो ये हमारे पास लेंस है इससे आर पार होते हुए रिफ्रैक्शन होके दूसरी साइड लाइट कन्वर्ज होगा। कनकेव मिरर के केस में लाइट उस केस में भी कन्वर्ज होता है लेकिन सेम साइड एज दी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस है उसकी दूसरी ओर यानी अपोजिट साइड हमें एक रियल और इन्वर्टेड और शार्प इमेज मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश्ड है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज। और क्लियरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा यानी जहाँ पे हमें स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन हो रहा है वो फोकल पॉइंट होगा या सिंपली हम उसे फोकस भी कह सकते हैं। इसी वजह से जो दोनों यानी लेंस और स्क्रीन के बीच की दूरी वही फोकल लेंथ होनी चाहिए। तो इन दोनों को हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर लिया है एक बड़े से वाइट शीट ऑफ पेपर पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट ओ जहाँ पे हमने लेंस को रखा है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और दूसरा पॉइंट जो F1 है जहाँ पे स्क्रीन रखा है वो हमारा फोकस हो गया। तो इनके बीच की जो दूरी है जो कि इस केस में लगभग 20 सेंटीमीटर है यही इस लेंस का यानी कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हो जाना चाहिए। तो अब हमने कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को डिटरमाइन कर लिया है और इसकी मदद से हम अब कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन जो होता है अलग अलग केसेस में उसे हम ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंटली। इसके लिए हमने एक वाइट शीट ऑफ पेपर पर सभी चीज़ों को मार्क करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीचों बीच हमने ओ लिखा है यानी ये ऑप्टिकल सेंटर है क्योंकि यहाँ पर हमने कन्वेक्स लेंस को रखा है, और कन्वेक्स लेंस जो होता है उसका बीचों बीच उसका जो मिड पॉइंट होता है उसे ही हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो इस वजह से ही हमने यहाँ पे ओ मार्क किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फोकल पॉइंट्स जो हैं F1 और F2 इन दोनों को भी हमने मार्क करके रखा है। इसका मतलब ये है कि O से लेके F2 और O से लेके F1 तक के बीच की जो दूरी है वो फोकल लेंथ है। इसके अलावा जो है हमने
2F2 और 2F1 को भी जो है मार्क करके रखा है, जिन्हें आप देख सकते हैं क्लियरली। और इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी फोकल लेंथ यानी OF2 और या फिर OF1 इसी का डबल है ये दोनों, हम कह सकते हैं, यानी O से लेके 2F1 के बीच की दूरी या O से लेके 2F2 के बीच की दूरी, ये दोनों जो हैं ये वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट के तौर पर हम एक बर्निंग कैंडल के फ्लेम को यूज़ करेंगे और उसे अलग अलग पोजीशंस पर रख कर हम देखेंगे कि इमेज जो है वो कहाँ बनता है, और थ्योरेटिकली जो हम रे डायग्राम्स बनाते हैं उसके अनुसार जो इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं उनकी पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से सही जगह पर बनी है या नहीं। तो शुरुआत में हम ऑब्जेक्ट को लेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं और फिर उसके बाद हम ग्रेजुअली ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर की ओर शिफ्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कैंडल यानी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर रखा है, यानी इस डिस्टेंस को हम ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब इसका इमेज ऑब्टेन करके, और ये हम देखते हैं कि यह इमेज बन का रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बियॉन्ड 2F1 जो है ऑब्जेक्ट को यानी कैंडल को प्लेस किया है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। तो इस केस में जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये लेंस के दूसरी साइड बन रहा है, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक शार्प इमेज हमें ऑब्टेन हो रहा है। और इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये F2 है, और इसके पीछे आप देख सकते हैं 2F2 है, तो 2F2 और F2 के बीच में ही है कहीं पे इमेज बना है। तो ये भी सिचुएशन जो है इसमें इमेज क्लियरली हम कह सकते हैं कि जैसा हम रे डायग्राम की मदद से उस इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि F2 और 2F2 के बीच में होना चाहिए, ठीक वैसा ही एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करने पर भी हमें दिख रहा है। कन्वेक्स लेंस या कनकेव मिरर के केस में होता ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मिरर की ओर या लेंस की ओर शिफ्ट करते हैं तो धीरे धीरे जो इमेज होता है वो फोकस से इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट होता जाता है और उसका साइज जो है वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इस केस में जो इमेज की साइज़ की अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा होता है, डिमिनिश्ड इमेज बनता है इस केस में। और साथ में अगर हम इसके नेचर की बात करें तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि चूंकि ये इमेज हमें ऑब्टेन हो रहा है एक स्क्रीन के ऊपर, तो इसलिए ये रियल इमेज है। और क्लियरली हम देख के ये बता सकते हैं कि ये इमेज जो है इसका वर्टिकल ओरिएंटेशन जो है वो इमेज की तुलना में उल्टा है, तो इसी वजह से ये इमेज जो है ये इन्वर्टेड है। सो रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। और पोजीशन की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब हमने कैंडल को थोड़ा और ऑप्टिकल सेंटर की ओर शिफ्ट करते हुए 2F1 पर रखा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस केस में जो इमेज बनता है वो 2F2 पर बनना चाहिए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, लेकिन दूसरे साइड। तो क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक शार्प इमेज हमें मिल रहा है जो कि रियल और इन्वर्टेड है और सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि है वो। और क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2F2 है यहीं पे इमेज जो है ये बना है, और ये भी हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जितनी है, यानी कैंडल से जितनी दूरी लेंस की है उतनी ही दूरी हम देख सकते हैं कि लगभग हम अप्रॉक्सीमेटली ये बता सकते हैं अंदाज़ा कि जो इमेज बन रहा है उसकी भी दूरी जो लेंस है यानी ऑप्टिकल सेंटर उससे उतनी ही है। अब हमने कैंडल यानी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर की ओर थोड़ा और शिफ्ट करते हुए उसे F1 और 2F1 के बीच में रखा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन इसका जो है वो बियॉन्ड
2F2 होना चाहिए यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन दूसरे साइड होना चाहिए यानी इस पॉइंट के बियॉन्ड इधर साइड होना चाहिए। अब यदि हम ऑब्जेक्ट को यानी कैंडल को F1 यानी फोकस के ऊपर रखते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि फोकस के ऊपर रखने से जो रेज ऑफ लाइट होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं रिफ्रैक्शन होने के बाद, इसलिए वो कभी मीट नहीं करते हैं। इसका मतलब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मीट करेंगे यानी उनका इमेज हम कहीं पर भी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, और इमेज जहाँ पर भी हम स्क्रीन रखेंगे ऑब्टेन करने के लिए वहाँ पर एक ब्लर इमेज आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज तो हमें बनकर दिख रहा है, लेकिन ये कभी भी एक शार्प इमेज नहीं बन पाएगा, एक ब्लर इमेज ही रहेगा ये हमेशा, क्योंकि फोकस पर जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, और इस वजह से रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में कभी मीट नहीं करते हैं, और स्क्रीन रखने पर इमेज जो हमें ऑब्टेन होता है वो ब्लर इमेज ऑब्टेन होता है। आखिरी में हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और F1 यानी फोकस के बीच में रखते हैं, तो इस केस में हम जानते हैं कि वर्चुअल एक इमेज बनता है जो कि लेंस के अंदर ही हमें दिखना चाहिए, और वो इनलार्ज्ड इमेज होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंस के अंदर एक इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, चूँकि ये एक वर्चुअल इमेज है इसलिए इसका जो वर्टिकल ओरिएंटेशन है वो भी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जैसा ही है। ऑब्जेक्ट का जो फ्लेम है यानी कैंडल का जो फ्लेम है वो इमेज में भी ऊपर ही दिख रहा है, और बिल्कुल सीधा जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसा ही इमेज भी हमें दिख रहा है, वर्टिकल ओरिएंटेशन सेम है, इसी वजह से ये एक इरेक्ट इमेज है। तो वर्चुअल इसीलिए क्योंकि लेंस के अंदर बन रहा है, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकता है, और इरेक्ट इसीलिए क्योंकि वर्टिकल ओरिएंटेशन सेम है, और साथ में हम कह सकते हैं कि जो इसका इमेज का नेचर है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो मैग्नीफाइड इमेज है।